साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से होगी, जहां मिशन 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से सक्रिय हो चुकी है। यूपी की 80 लोकसभा सीट पर पार्टी का खास फोकस है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने अन्नदाताओं को साधने के लिए भी एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिससे किसानों के साथ साथ पार्टी को भी आगामी लोकसभा चुनाव में सीधा फायदा मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, अब बारी रणभेरी की है, जहां देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। एक के बाद एक एक्शन प्लान तैयार कर रही है, हर वर्ग को साधने का पूरा प्रयास भी कर रही है। वन नेशन वन इलेक्शन हो या महिला आरक्षण के जरिए चुनावी रेवड़ियां बांट रही है, तो ओबीसी पिछड़ों के लिए सम्मेलन कर रही है और पार्टी यही नहीं रुकने वाली है। अब किसानों को साधने के लिए भी एक्शन प्लान तैयार कर लिया गया है। दरअसल प्रदेश भर में किसानों को साधने के लिए योगी सरकार एक बड़ा अभियान चलाएगी। अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसान सम्मान निधि दिलाने के लिए 15 अक्टूबर से 2023 तक आधार सीडिंग और ई केवाईसी कराने के लिए सघन अभियान चलाएगी। अभियान के तहत न्याय पंचायत और राजस्व ग्रामावार नामित कार्मिक पेंडिंग ई केवाईसी की सूची के साथ डोर टू डोर किसानों से संपर्क कर ई केवाईसी और आधार सीडिंग के काम को पूरा किया जाएगा। साथ ही ग्राम स्तरीय रबी गोष्ठी और किसान पाठशालाओं में भी ई केवाईसी का अभियान संचालित कराया जाएगा। इस अभियान के संचालन के लिए सरकार की ओर से विस्तृत दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि आगामी चुनावों को धार देने और अन्नदाताओं को साधने के लिए मिशन मोड पर तैयारी चल रही है। ज्यादा से ज्यादा किसान इस अभियान से जुड़े, इसके लिए पार्टी ने एक चक्रव्यूह भी तैयार कर लिया है। लेकिन इन योजनाओं का लाभ आगामी चुनाव में पार्टी को कितना देखने को मिलेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। रितेश, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, भारतीय जनता पार्टी मिशन 80 का लक्ष्य लेकर इस वक्त चुनावी मैदान में यूपी की राजनीति में पूरी सक्रियता से नजर आ रही है। अभी तक महिलाओं को साधने वाली भारतीय जनता पार्टी अब किसानों को भी साधने की पूरी पूरी कोशिश कर रही है। क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति किसानों को साधने के लिए? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनाव का एक माहौल बनाया है और अपना पूरा होमवर्क कर रही है। होमवर्क के साथ साथ में आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण बिल को उन्होंने दोनों सदनों में पास कराया। उसके बाद अब जो किसानों के लिए जो अन्नदाता है उनके लिए अब कुछ करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को लगा दी है। यानी अगर देखा जाए जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है 2024 में, उसमें अन्नदाताओं को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है या कार्यकारिणी सदस्य है या जो भी कार्यकर्ता उनके हैं, वो शीर्ष स्तर पर निकलेंगे और उस हर व्यक्ति से मिलने की कोशिश करेंगे। यानी अगर आप 2014 की बात करें तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार देश में बनाई, तो उन्होंने 10 ऐसे मुद्दों को रखा था जिन मुद्दों के तहत वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और देश में, और लगातार दूसरी बार, और फिर आप चुनावी मैदान में 2024 में वो इस तरीके से है। तो जो सबसे बड़ी बात थी, तो किसान सम्मान निधि योजना चलाई गई, उज्ज्वला योजना चलाई गई, तो इस तरीके का आयुष्मान योजना जो चलाई गई, तो इन सब चीजों का लाभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को मिला। तो अब आने वाले समय में 2024 के चुनाव में हर वर्ग को तो भारतीय जनता पार्टी ने साथ लिया है। अब किसानों के हित की बात के लिए इस तरीके की सुविधाएं उनको दी जाए जिससे किसान उन तक जुड़े, यानी हर एक व्यक्ति तक, हर एक आखिरी व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी जोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि वो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीट है उन सभी सीटों पर अपना कब्जा जमा पाए। देखिए रितेश, जब भी यूपी की बात आती है तो यूपी को शुरुआत से ही कृषि प्रधान प्रदेश कहा जाता है और सबसे ज्यादा किसान पश्चिमी यूपी से आते हैं, जिसको जाटलैंड भी कहते हैं। तो क्या साफ तौर पर माना जाए कि किसानों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिमी यूपी को भी साधने की कोशिश की है क्या? बिल्कुल जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं कृषि प्रधान देश है बल्कि पूरा भारत कृषि प्रधान देश है, तो सारी अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। अगर बात की जाए, अगर जिस तरीके से अन्नदाता है, अगर अन्न ही नहीं रहेगा तो कोई जमीन पर, धरती पर रह नहीं सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ी चीज को निकाला है कि जो किसान है, जो अन्नदाता है, उनको किस तरह मनाया जाए जिस 2024 में
कैसे लाभ उन तक पहुंचाया जाए उसका पूरा खाका जुटाया जा रहा है। वो अब की बार जो एजेंडा होगा और जो मैनिफेस्टो होगा चुनाव का, उसमें अब कौन सी और नई चीजें आ सकती हैं। जैसे 2014 में उन्होंने 10 एजेंडों पर काम किया और 10 एजेंडों को पूरा भी किया, तो अब अन्नदाताओं के लिए वो कैसी सुविधाएं होंगी, कैसा लाभ होगा, उस पर पूरा मंथन चल रहा है पार्टी की तरफ से। किसानों को क्या किस तरीके का लाभ दिया जा सकता है, तो उस पर पूरी मंथन होगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर छोड़ने वाली नहीं, इसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी और राष्ट्रीय जितनी भी कार्यकारिणी सदस्य वो पूरे लगे हुए हैं। तो इसमें अब 2024 का जो चुनाव आने वाला है वो बड़े कांटे का होने आया, क्योंकि IANDI का जो गठबंधन है उसमें कई दल मिलजुल करके एक साथ चुनाव लड़ेंगे, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी फाइट करना पड़ता है। लेकिन देखिए रितेश, अब यहाँ पर एक चीज काफी अहम हो जाती है। जब किसानों का लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन नतीजे उसके बिल्कुल विपरीत हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से यूपी के सत्ता पर काबिज हुई। और अब तो लगातार प्रदेश में देखिए तमाम अलग अलग जनपदों से रह रहकर ये खबरें आती है कि किसान प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या ये प्रदर्शन 24 में भारतीय जनता पार्टी के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं क्या? देखिए इसको समझना होगा मुस्कान, पूरे भारत में करोड़ों की जनसंख्या है, 140 करोड़ के लगभग आबादी है, तो सभी को खुश कर पाना एक व्यक्ति की पूरी उपलब्धता नहीं हो सकती। जैसे एक परिवार में एक मुखिया है और घर में 5 सदस्य हैं, तो 5ों को वो खुश नहीं कर सकता। ऐसे पूरे 140 करोड़ की जो जनसंख्या वाला देश है उसका जो प्रधानमंत्री है वो सबके मन का तो नहीं कर सकता है, या कोई भी सरकार हो सभी के मन का नहीं कर सकती। तो ऐसे में कुछ विरोध जरूर झेलना पड़ा है। इस विरोध के कारण 2024 में जो समस्याएं इनको उठानी है उसी के लिए भारतीय जनता पार्टी होमवर्क कर रही है कि जो अन्नदाता है उनको किस तरीके से समझाया जाए, किस तरीके से समझा बुझा करके उनको 2024 में अपनी तरफ अपने पाले में किया जाए। तो ऐसी कोई योजना या ऐसा कोई मैनिफेस्टो आ सकता है जो किसानों के लिए हितकर हो, और होना भी चाहिए क्योंकि भारत देश हमारा किसान कृषि प्रधान देश है, तो किसानों के लिए हित की बात होनी चाहिए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रणनीति बना रही है ये तो आने वाले समय में जब ऐलान होगा। लेकिन देखिए रितेश, एक चीज और यहाँ पर काफी अहम जो लगातार हम देख रहे हैं, राहुल गांधी एक बार ऐसा भी तस्वीरें सामने आई जब राहुल गांधी खेतों में पहुंच कर किसानों से मुलाकात करते हुए नजर आए, उनसे बातचीत करते हुए उनकी परेशानियों को समझते हुए नजर आए। तो वही दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए तमाम तरीके की योजनाएं लेकर आ रही है, जैसे कि फ्री सिंचाई, फ्री बिजली, तमाम तरीके के लुभावने वादे करती हुई बीजेपी नजर आ रही है। और अगर सीधे तौर पर ये जानने की कोशिश करें तो रितेश, किसानों पर लगातार इतना फोकस क्यों है हर एक पार्टी का? देखिए जाहिर सी बात है किसान से ही पूरी न्यू है। अगर उत्तर प्रदेश की आप खाली बात करें, 80 लोकसभा सीटों को आप केवल ले लीजिए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो किसान और जो अन्नदाता है वो काफी बड़ी संख्या में है, तो उनका मतदान एक पल्ला भारी करता है कि जिस तरफ उनका झुकाव होगा सरकार भी उसकी बन सकती है। तो पूरे भारत की अगर गणना की जाए तो पूरे भारत में इतनी किसान है कि अगर वो जिस पार्टी की तरफ अगर वो अपना रुख कर लें तो उस पार्टी की सरकार बननी तय है। इसलिए सबसे सर्वप्रथम जो है किसान अन्नदाताओं को और गरीबों के लिए योजनाएं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाई थी। जैसे आपने देखा होगा कि किसान सम्मान निधि का एक उन्होंने अपना एक लाया था, हर घर में शौचालय बनवाने की बात की गई। कोविड काल के बाद से ही पूरी तरीके से आपने देखा होगा कि घर जो राशन था वो राशन पूरी तरीके से पूरी कराया गया। तो ऐसी कई योजनाओं को लेकर जो लुभावने योजनाएं थी उन्होंने सरकार ने पूरी भी की, और अब आने वाले समय में जो बनेगा किसानों के लिए वो सरकार आगे आने वाले समय में भेजेगी। हालांकि आप सरकार कोई कसर इसलिए नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि समय इनके पास बहुत कम बचा है। और आइए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अब कमर कस ली है। आज अखिलेश यादव नोएडा दौरे पर रहेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव शाम 4 बजे नोएडा पहुंचेंगे, जहां वो स्वर्गीय कृष्णा यादव हीरा देवी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और अनावरण के बाद एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए भी आज अखिलेश यादव नजर आएंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव अन्य 2 कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। तो आज अखिलेश यादव का नोएडा दौरा है, जहां वो कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, विशाल जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए अखिलेश यादव नजर आएंगे। रितेश, एक बार फिर से इस खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट को लेकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं रितेश। देखिए आज अखिलेश यादव नोएडा दौरे पर रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम सबसे पहले बताइए कि उनके प्रस्तावित किए गए हैं नोएडा में? समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का नोएडा में दौरा है, उसी का अनावरण करेंगे
और पिछड़ी जातियों को साधने के लिए, क्योंकि वहां पर एक सभा भी है, उस सभा के अंतर्गत वो उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उनके लिए वो अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। ऐसे में जिस तरीके से INDI का गठबंधन हुआ भारतीय जनता पार्टी और इस समय मैदान में है, तो समाजवादी पार्टी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, जिसको लेकर के अखिलेश यादव का जो नोएडा दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। उसमें कई शीर्ष नेताओं से उनकी मुलाकात भी होनी है और अगले पार्टी की जो रणनीति होगी इस तरीके से लोकसभा सीटों के लिए वो कैसे जीत काबित कर पाएंगे उस पर विचार विमर्श भी किया जाएगा। हालांकि जो जानकारी मिल रही है वो शाम 3 बजे नोएडा में उनका प्रस्तावित है, उनको जाने का 11 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। तो इस तरीके से पूरी जानकारी जो मिल रही है वो समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव वो नोएडा पहुंच रहे हैं, 3 बजे का कार्यक्रम उनका होगा और कुल मिला के जो इनका वहां जाने का जो मकसद है वो सिर्फ 2024 में लोकसभा की जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के रणनीति तैयार करना। देखिए नितेश, अखिलेश यादव आज नोएडा दौरे पर जा रहे हैं जहां वो तमाम तरीके के कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन जो दौरा है रितेश वो भले ही एक क्षेत्र का होता है उससे तमाम सीटों को साधने की कोशिश की जाती है। अखिलेश यादव के दौरे का किन किन सीटों पर प्रभाव पड़ सकता है रितेश? सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को बड़ी हार का मुकाबला करना पड़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्य उसको लेकर के पार्टी में काफी जो है चीजों को सराहा गया कि आखिर कमियां कहां रही, तो उनके ही नेताओं के बड़बोलेपन पर अखिलेश यादव की सबसे बड़ी फजीहत हुई। अगर बात की जाए तो शिवपाल यादव जो उनके चाचा है वो अब फिर से पार्टी में शामिल हुए और पार्टी को मजबूत करने के लिए वो लगातार नसीहतें अखिलेश यादव को दे रहे हैं। तो कहने की बात इसमें यह है स्पष्ट की जिस तरीके से उनका चुनावी दौरा है और अब चुनावी दौरा केवल अखिलेश यादव के लिए नहीं सभी पार्टियों के लिए शुरू हो गया, क्योंकि 2024 लगने में अब ज्यादा समय नहीं है। तो ऐसे में जो लोकसभा सीटें हैं उन पर वो कैसे काबिज हो पाएंगे, कितने उपचुनाव में उनकी हार हुई, कितने उपचुनाव में उनकी जीत हुई, ये भी प्रदेश ने देखा। तो इन सब चीज का होमवर्क करने के लिए सभी नेता, सभी पार्टी के नेता इस चीज को देख रहे हैं। उसमें अखिलेश यादव भी अपनी जोर को, अपनी ताकत को आजमाइश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में किस तरीके से, हालांकि वो अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, लेकिन फिर भी अब की बार 2024 में वो INDI जिस तरीके से गठबंधन हुआ है उस गठबंधन के साथ में किस तरीके से वो उभर करके आ सकते हैं ये तो देखने वाली बात होगी। हालांकि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ टक्कर है, अभी टक्कर किस तरीके से होगी ये तो देखने वाली बात। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक तारीख एक घंटा और एक साथ का उद्देश्य लिए इस बार स्वच्छता अभियान एक बड़े स्तर पर पूरे देश में चलाया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाया। इसके अलावा भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी स्वच्छता का संदेश दिया। UP में भी बड़े स्तर पर यह अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर दौरे पर रहे जहां CM योगी ने साधु संतों के साथ झाड़ू लगाया है। साथ ही अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, डिप्टी CM ब्रजेश पाठक और मेयर सुषमा खरकवाल ने भी स्वच्छता अभियान में शिरकत की। बता दें कि सफाई को लेकर महात्मा गांधी ने एक सपना देखा था, इसलिए उन्होंने लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की भी लगातार नसीहत और शिक्षा दी और आज उनका सपना साकार होता हुआ नजर आ रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी सफाई देखने को मिल रही है और आज का नया भारत खुले में शौच से मुक्त हो रहा है। लेकिन ये राह इतनी आसान नहीं थी। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में स्वच्छता के लिए एक स्पष्ट संदेश देकर आह्वान किया था कि सभी क्षेत्रों से आने वाले नागरिकों ने इसका स्वागत भी किया और सक्रियता दिखाते हुए स्वच्छ भारत के लिए स्वामित्व लेने में अत्यधिक उत्साह भी दिखाया है। तो देखिए ये 6 अलग अलग तस्वीरें हैं और ये 6 अलग अलग तस्वीरों में ही तमाम बड़े नेता लोगों को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं और ये संदेश साफ सफाई का संदेश है। इस दौरान लोगों को ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि स्वच्छ शरीर से ही स्वच्छ मस्तिष्क और स्वच्छ समाज का विकास होता है। दीपक यादव का रुख करते हैं जो उस खबर पर तमाम जानकारी और अपडेट को लेकर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक देखिए आज पूरे देश भर में श्रम दान का महापर्व देखने को मिला जहां तमाम जगहों पर कई कार्यक्रम चलाए गए जहां सभी नेताओं के हाथों में झाड़ू भी देखने को मिले। कानपुर से कैसी तस्वीरें निकल के सामने आई उसका नाम को बता दें। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री ने लगातार बताया था कि एक घंटे का जो है सफाई अभियान चला, स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा, जिसको देखते हुए पूरे देश में आज स्वच्छता अभियान देखने को मिला जहां एक से एक दिग्गज नेताओं के हाथ में झाड़ू देखने को मिली और सफाई। अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में भी अभी कुछ देर बाद
नंद गोपाल नंदी जो है उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री पहुंचेंगे और वो भी कानपुर में कानपुर का हिस्सा बनेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर। और कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में जगह जगह जो है लगातार सफाई देखने को मिल रही है और लोग स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि स्वच्छता अभियान किसी का मोहताज नहीं कि किसी के कहने से ही की जाए, महीने में या प्रतिदिन ये हम लोगों का कर्तव्य है कि स्वच्छता अभियान का अभियान चलाया जाए और अपने आसपास साफ सफाई रहे ताकि किसी तरीके का जो है बीमारियों से बचा जाए। जी देखिए दीपक, कानपुर का जब भी नाम आता है तो एक बड़ी उद्योग नगरी के तौर पर कानपुर को देखा जाता है, लेकिन उसी कानपुर का एक दूसरा पहलू भी है जहां गंदगी का ढेर देखने को मिलता है, गंदगी का अंबार देखने को मिलता है। उसको लेकर क्या कुछ कार्यक्रम कहता है किए गए हैं, उसके उसके लिए रोड मैप क्या बनाया गया है ताकि कानपुर भी एक स्वच्छ शहर घोषित हो? जी मुस्कान, आपका सवाल बिल्कुल सही है। जिस तरीके से देखा जाता है कि कानपुर में कई बार सवालिया निशान खड़े होते हैं नगर निगम के द्वारा और अधिकारियों द्वारा, क्योंकि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, सफाई नहीं होती, तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो है अधिकारियों की देखी जाती है। हालांकि जब मीडिया में खबर चलती है तब अधिकारियों के कान में जूर रेंगती है और इसके बाद साफ सफाई को लेकर अलर्ट होते हैं। हालांकि अभी तक कोई रूट मैप नहीं बनाया गया है, लेकिन ये देखा गया है कि जो वर्तमान महापौर हैं वो लगातार एक्टिव रहती हैं, ज्यादातर क्योंकि वो महिला बिलोंग करती हैं महापौर, तो लगातार वो अधिकारियों के आदेश भी देती हैं और पूरे कानपुर में उनका ये कहना है कि लगातार सफाई होनी चाहिए, कहीं भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। साफ तौर पर कि मेयर सक्रिय हो चुकी है लेकिन अधिकारियों की हीला हवाली अभी भी कानपुर में देखने को मिलती है क्या सफाई को लेकर? तो है आदेश देती हैं लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जो हैं वो आदेशों को अनदेखा कर देते हैं और साफ सफाई पूरी तरह से नहीं होती। जब उन पर डांट पड़ती है या महापौर गुस्साती है तब जाकर जो है साफ सफाई को लेकर वो एक्टिव होते हैं और लगातार साफ सफाई जारी रहती है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही कई बार देखने में मिली है और जो है सरकार लेकर जो है स्वच्छता अभियान को अलर्ट भी है, लेकिन अधिकारी जो है जो अपने लापरवाही है वो अपने लापरवाही अधिकारी जो है बाज नहीं आ रहे हैं। ठीक है दीपक, देखिए लगातार हम अधिकारियों की लापरवाही का भी जिक्र कर रहे हैं लेकिन आम जनता की भी लापरवाहियां साफ तौर पर देखने को मिलती हैं। आम जनता को आज किस तरीके से जागरूक किया गया कि वो साफ सफाई का ध्यान रखें, गंदगी ना फैलाएं? जी देखिए, जिस तरीके से आज स्वच्छ अभियान का महाअभियान चला, देश के जो है प्रधानमंत्री ने सबसे अपील की, जनता से अपील भी की, देशवासियों से अपील की कि स्वच्छ अभियान पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, तो लगातार लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ये संभवतः ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जब प्रधानमंत्री ही अपील करें देश के लोगों से तभी स्वच्छ अभियान का अभियान चलाया जाए तो ये ठीक नहीं है। लोगों को खुद सोचना चाहिए कि जहाँ वो रहते हैं, जिस शहर में रहते हैं, वहाँ साफ सफाई और स्वच्छ अभियान लगातार होना चाहिए ताकि जब शहर साफ स्वच्छ रहेगा तो हम लोग भी साफ स्वच्छ रहेंगे और बीमारियों से बचेंगे। धन्यवाद दीपक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट और जानकारियों के साथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए। बड़ी खबर इस वक्त देवरिया से सामने आ रही है जहां महिला की हत्या का मामला सामने आया। तो देवरिया में महिला की हत्या का मामला सामने आया, सड़क किनारे ट्रॉली बैग में मिले पैर के दो टुकड़े, धड़ एक गद्दे में लिपटा मिला सिर अभी भी गायब है। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस तो सड़क किनारे ट्रॉली बैग में पैर के दो टुकड़े बरामद किए गए हैं, धड़ एक गद्दे में लिपटा मिला है, सिर अभी भी गायब बताया जा रहा है। और ये तस्वीरें देवरिया से हैं जहां एक बार फिर महिला के साथ बर्बरता किए जाने की आशंका है, जहां एक महिला का दो टुकड़ों में शव बरामद किया गया। एक टुकड़ा तो पुलिस ने बरामद किया है लेकिन दूसरा टुकड़ा अभी भी गायब है। और ये पूरी तस्वीरें देवरिया से है, ये पूरा मामला देवरिया से है जहां महिला की हत्या कर उसके शव को दो टुकड़ों में काट दिया गया। फिलहाल सड़क किनारे ट्रॉली बैग में मिले पैर के दो टुकड़े अभी भी जो धड़ है वो गायब बताया जा रहा है।
देखिए, देवरिया में महिला की हत्या किए जाने की बड़ी खबर सामने आई है, जहां सड़क किनारे ट्रॉली बैग में मिले पैर के दो टुकड़े। तो महिला की हत्या कर उसके शव को दो टुकड़ों में काट दिया गया है। फिलहाल पैर के दो टुकड़े पुलिस ने बरामद किए हैं। धड़ एक गद्दे में लिपटा मिला है, सिर अभी भी गायब। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है और पुलिस पूरी सक्रियता से अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही ये मामला सामने आया आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। कलीम इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए एक बार फिर से महिला की हत्या की गई है, बेहद ही बर्बरता के साथ इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, जहां सड़क किनारे ट्रॉली बैग में महिला के पैर के दो टुकड़े मिले हैं, सिर अभी भी गायब बताया जा रहा है। क्या अपडेट है इसको लेके? देखिए मुस्कान जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से देवरिया में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से जो महिला का शव मिला है, वो हत्यारों ने महिला की हत्या करके शव को तीन टुकड़ों में फेंका है, यानी कि छत विछत जो शव है वो एक ट्रॉली बैग में है और इसके साथ साथ एक गड्ढे में आधा धड़ लिपटा हुआ था, जिसको रस्सी से बांध करके खेत में फेंका गया था। जब वहां पर जो ग्रामीण निकल रहे थे, उन्होंने जब दुर्गंध लगी, दुर्गंध के बाद उस ट्रॉली बैग के पास पहुंचे, उस गड्ढे को देखा, तो उसमें जिस तरीके से महिला के दो टुकड़े में शव थे, उसको देख करके पुलिस को इस मामले की जानकारी थी। जब मौके पर पुलिस पहुंची थी, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। तफ्तीश करने के दौरान ये देखा गया कि जो महिला थी, महिला के धड़ तो मिले लेकिन उसका सिर नहीं मिला, यानी कि कलीम देखिए, जब पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी हुई, पुलिस मौके पर पहुंचती है, तो क्या कोई आइडेंटिटी के तौर पर कोई डॉक्यूमेंट भी इस दौरान बरामद किए गए हैं क्या? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात की जाए, जो उसके डॉक्यूमेंट या आइडेंटिटी की बात की जाए, किसी तरह की उसके पास आइडेंटिटी नहीं मिली, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से ये जरूर बयान दिया गया है कि जिस तरीके से वो ट्रॉली बैग में महिला का जो टुकड़ों में शव मिला था, उसके साथ जो ब्रांडेड कपड़े मिले हैं, उससे ये लग रहा है कि किसी जो एक अमीर घर की लड़की, या फिर ये बिहार की बताई जा रही है, और बिहार के साथ साथ या फिर जो प्रदेश से सटे जिले में, क्योंकि फिलहाल जिस तरीके से युवती के पास से जो कपड़े मिले उसको अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो ब्रांडेड कपड़े हैं, तो ये कहीं नॉर्मल घर की लड़की नहीं है, ये किसी घर के या तो प्रेम से जुड़ा हुआ मामला है, क्योंकि जिस तरीके ये जो घटना है, क्योंकि जो उसके पास से एक जो तकिए की बात की जाए, उस पर लव लिखा हुआ था, लव के साथ जो बॉडी थी उसको लेकर के जो पुलिस तफ्तीश कर रही है, मौके पे जो फॉरेंसिक टीम बुलाई गई थी उसने भी वहां से साक्ष्य जो इकट्ठा किए, लेकिन किसी खास कुछ नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि ना ही आइडेंटिटी मिली, ना ही उस महिला के धड़ पर से सिर मिला, क्योंकि सिर गायब है, आइडेंटिटी गायब है, केवल वहां पे जो कपड़े हैं, ट्रॉली बैग है, और इसके साथ ही जो गद्दा है, गद्दे में जो नीचे का धड़ है वो मिला है। फिलहाल जिस तरीके से जो घटना की गई, तो पुलिस का इस मामले में साफ तौर से कहना है कि जिन हत्यारों ने इस हत्या को अंजाम दिया है, बड़े सुकून से उस महिला के शव को कई टुकड़ों में काटा और ट्रॉली बैग में भरकर इस तरीके से फेंका गया, और जिस तरीके से बिल्कुल ठीक है। कलीम, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच सा